हनुमान बेनीवाल जी। सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। सभापति महोदय, 3 मिनट का समय है हनुमान जी। 3 नहीं 5 तो देव साहब, 5। नहीं नहीं, आप चलिए खत्म कीजिए। 3 में तो कुछ नहीं होगा साहब, 5 मिनट में सर एक अच्छी तरीके से बोल देंगे। आप शुरू तो करें। सभापति महोदय, मैं एक सभापति मैं एक शेर सुना के मेरी बात शुरू करूंगा। घर फिरदौस भर रोए जमी अस्त, अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्त। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कश्मीर के मशहूर शालीमार बाग को देखकर जहांगीर ने सदियों पहले इस स्वर्ग की उपाधि दी थी। वा, वा, लेकिन पिछले 70 सालों के अंदर सीमा पार से समर्थित आतंकवादी हिंसा और अलगाववाद था। पिछली सरकारों की चुनौतियों से निपट पाने में विफलता का ही नतीजा था कि स्वर्ग अपनी क्षमता अनुसार आर्थिक प्रगति नहीं कर पाया। समय के साथ साथ नासूर बन गए अनुच्छेद 35 और 370 जैसे स्थायी प्रावधानों ने स्वर्ग के बासिंदों को भारत के संविधान से नीत अधिकारों से वंचित कर दिया। मान्यवर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र हमेशा से देश के अभिन्न अंग रहे हैं, मगर दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के कारण 1947 से लेकर लगातार इन क्षेत्रों को पिछड़ा बनाए रखा तथा केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। इसी का एक उदाहरण है सभापति महोदय कि धारा 370 और 35A टेम्परेरी धाराएं थी, कोई परमानेंट नहीं थी। लेकिन कांग्रेस ने कभी, अगर कांग्रेस इतनी चिंता करती 370 35A का विरोध कर रही है तो इसको परमानेंट लागू कर देती। टेम्परेरी धारा थी जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने 1 मिनट के अंदर, हमारे गृह मंत्री जी ने 1 मिनट के अंदर हटा दिया, देश को एक बहुत बड़ी सौगात दी। सभापति महोदय, यहाँ 2 तरह के लोग रहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। एक बकरवाल और गुजर समाज है जो हिंदुस्तान समर्थक है, और ये चूंकि पाकिस्तान भक्त नहीं है इसलिए इनका विकास भी बिल्कुल नहीं किया वहाँ पे। सभापति महोदय, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की सरकारें रही, और जो पाकिस्तान प्रस्त रहकर अलगाववादियों के लिए खुला वो उनकी मदद करती थी। बकरवाल और गुजर समाज के जो हमारे जो जो किसान समुदाय है वहाँ पहाड़ों पे बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते थे, 4,000 रुपये उनको महीने का दिया जाता है, 6 महीने, और 6 महीने जब पहाड़ से नीचे रहते तब उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती। अभी प्रधानमंत्री जी ने आदेश किया कि उन्हें कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये 6 महीने मिलेंगे, और अन्य जो 6 महीने उसके अंदर भी उनको कामकाज मिलेगा। सभापति महोदय, मेरा सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी NDA की सरकार का इन नासूरों को मिटाकर कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने का ऐतिहासिक कदम उठाया। सभापति महोदय, जब भारत का विभाजन हुआ था तो 17 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडित वहाँ हुआ करते थे, जिनकी संख्या घटते 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 2 लाख के करीब रह गई। एक डेढ़ मिनट लूंगा साहब। अमेरिका, ये विदेश और देश के अन्य कोनों के अंदर चले गए, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास कैसे हो, व्यवस्था भी दिल्ली की सरकार को करनी है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखें। दुर्भाग्य की बात है कि आज भी कई राजनीतिक दल उनके नेतृत्व तो अपने जेहन में उस विचारधारा को पालते हैं जिसे देश की सदियों तक विदेशी ताकतों का गुलाम बनाए रखा। सभापति महोदय, सरकार की कश्मीर के प्रति विकासशील नीतियों का ही परिणाम है क्या जम्मू कश्मीर क्षेत्र के 11 तथा लद्दाख क्षेत्र के 2 हवाई अड्डे उड़ान योजना की बिडिंग में शामिल हुए? मुझे आशा है कि हवाई अड्डे जल्द से जल्द ऑपरेशनल हो जाएंगे। एक समय था जब बर्फबारी के चलते जवाहर टनल बंद कर दी जाती थी और कश्मीर घाटी में कई कई दिन वाहनों की आवाजाही थम जाती है, इन सरकार की दूरगामी सोच का ही परिणाम है। क्या जवाहर टनल के पार भी भारतीय रेल सेवा उपलब्ध है? और आज हम चिनाव नदी के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना रहे हैं। मुझे आशा है कि रेल सेवा जल्दी सारी घाटी में उपलब्ध होगी। सभापति महोदय, 1 मिनट के अंदर मेरी बात समाप्त करता हूँ। हमारी सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि का बजट जम्मू कश्मीर के लिए रखा, जो विगत वर्षों की तुलना में 27% अधिक है। इस बजट में 50,000 सरकारी पद भरने, 1 मिनट में साहब, लास्ट एक मिनट भरने तथा राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुसार, मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ, मेरी भुगतान करने, कश्मीर में नए पर्यटन को बढ़ावा देने तथा धार्मिक सर्किट को विकसित करने का भी प्रावधान किया गया, तो स्वागत योग्य। सभापति महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं मांग करना चाहूँगा कि कश्मीर व लद्दाख के पर्यटन क्षेत्र का क्षमतानुसार विकास होना चाहिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण में इन क्षेत्रों का पोटेंशियल कहीं कहीं ज़्यादा हो, जिसका लाभ हम अभी तक पूर्ण रूप से उठा सके। मेरी मांग है कि कश्मीर में जगह जगह पर सैनिक बस्तियां बनाई जाए जहां भूतपूर्व सैनिकों को बसाया जा सके तथा वहां घायल सही सैनिकों के परिवारों को वहां भूमि आवंटन हो ताकि वहां सकारात्मक माहौल बन सके। मैं मांग करूंगा कि युद्ध विराम उल्लंघन से विस्थापित होने वाले सीमांत इलाकों के भाइयों को जो एक विधेयक अपने यहाँ लेके आएंगे उनको आरक्षण देंगे, इसका लाभ जल्दी से जल्दी मिले। और मैं ये भी मांग करूंगा कि वहाँ हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय
ने जो वहाँ संघर्ष किया, एक देश एक विधान, उनके नाम से भी कोई यूनिवर्सिटी, सॉरी श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का जो बलिदान था, एक मिनट, दीनदयाल जी ने भी लड़ाई लड़ी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान कश्मीर के अंदर हुआ था, उनकी षड्यंत्र पूर्वक इन लोगों ने हत्या जेल के अंदर कर दी थी, उनके नाम से भी विश्वविद्यालय बनाया जाए, मेडिकल कॉलेज खोला जाए और उन बच्चों को आगे लाएं। और मेरा तो यह भी कहना है कि जिनको जेल से छोड़ दिया उनको वापस जेल के अंदर डाल दिया जाए, ये एनके प्रेमचंद्रन, ताकि शांति बनी रहे वहां।